यो डैमी का मैसेज आया मेरे पास. व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड? आज क्या नींद आई है. मज़ा आ गया. कल रात को दो तीन बजे तक सोया, काम था. अभी उठा हूँ, 9-10 बज रहे हैं. मस्त रिफ्रेशिंग, एकदम मस्त फील कर रहा हूँ. संडे है आज, आलस भरा दिन है, कोई प्लान है नहीं इतना. और शिट, एसी बंद करना भूल गया, पर कोई बात नहीं. तो अभी बिल्कुल सपने से उठा हूँ. ऐसा भी नहीं है कि नींद खुली हो जब चाहते हैं. वो तो बेस्ट ही नींद होती है, जब चाहते हो तब उठो. एकदम से कोई उठा दे या फिर किसी सपने से उठो तो वो इतनी अच्छी नींद नहीं होती है. और वही मेरे साथ हुआ. तगड़ा वाला सपना आ रहा था. पता नहीं, मैं भाग रहा हूँ तेज तेज, मेरे पीछे जॉम्बीज भाग रहे हैं. जॉम्बीज थे या पता नहीं कौन था, बैंकॉक की लड़कियाँ नहीं थी ये पक्का है. तो कोई ना कोई पीछे मेरे झुंड में भाग रहा था, जॉम्बीज ही ले लो. उसी से एकदम से मेरी नींद खुली. बोले ये कैसा सपना था. मम्मी बोलती हैं कि सुबह के सपने सच होते हैं, तो इस हिसाब से तो फिर जॉम्बी अपोकैलिप्स होना चाहिए जल्दी. और भैया फाइनली कल रात को डैमी ने हमें हरी झंडी दे दी कि मैं आज से कार्डियो स्टार्ट कर सकता हूँ. कल रात को डैमी ने मेरे एंकल को चेक किया, काफी इंप्रूवमेंट थी. और डैमी ने बोला धीरे स्टार्ट करना, पर स्टार्ट कर सकता हूँ मैं. आई एम सुपर हैप्पी, फाइनली मैं कार्डियो करूंगा. देखो कार्डियो के बिना है ना वेट लिफ्टिंग करने में मज़ा नहीं आता. मुझे पहले कार्डियो करना पसंद है, बॉडी थोड़ी रिलैक्स होती है, खुलती है. उसके बाद मारो जितने डंबल मारने, अब आएगा ना मजा बिड़ो. Where you went? Why? You came from that side. भैया पैसा कमाना हमारी डैमी जी से सीखो. छुट्टी थी आज डैमी की, पर फिर भी पेशेंट ट्रीट करके आ रखी है. फ्रीलांस पेशेंट बना रखे हैं. कितने पैसे छापे तूने? How much money did you make? Secret. But I have to stop there, right? Not this building. You, the one you. तू जीती. आज पेमेंट भी वैसे डैमी कर रही है, तो हाँ मैं हाँ मिलाना पड़ता है. यू आर मेकिंग द पेमेंट टुडे राइट? या जापानीज रेस्टोरेंट में खा रहे हैं. डैमी की फरमाइश है ऑब्वियसली. मैं तो कभी बोलूंगा नहीं पहले से, पर ठीक है डैमी खिला रही है तो क्या दिक्कत है. जैसे कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, जापानीज फूड के लिए थाई लोग पागल हैं, जो कि तुम्हें दिख रहा है. हाँ जी डैमी जी, हैप्पी टू ईट जापानीज फूड. आई कैन ऑर्डर एज मच एज आई कैन. एनजूसी इतना कमाती है, छुट्टी के दिन भी कमा रही है. आई विल ईट अ लॉट. ओके I know what it is now. Huh? Put it less. Don't put that much. Hey, that's already a lot. My nose is gonna burn. Is it heavy? Yeah. 2.5 kilo का है भैया, 2.5 kilo का भारी तो होगा. डैमी जी के लिए. थैंक यू. मुझे खोल ले दो. ये शूटिंग फॉर देम. तो ये डब्बे में तुम लोगों को दिख ही गया होगा. नहीं भी दिखा तो मैं ढंग से दिखाई देता हूँ. फाइनली, ओह माय गॉड, इट्स बिग. फाइनली मेरा वे प्रोटीन इज हियर. वे प्रोटीन ढूंढना आसान है नहीं, थाईलैंड में नहीं. और जो मुझे तुम्हारे बाबा को चाहिए था वो वाला प्रोटीन पाउडर तो मिल ही नहीं रहा था भैया. जो मैं यूज करता था इंडिया में, दैट वाज माय प्रोटीन. यहाँ पे मैंने चप्पा चप्पा दुकानों में चले गया, कहीं नहीं मिला. वेबसाइट्स में ढूंढ लिया, दो वेबसाइट्स में अवेलेबल था माय प्रोटीन का वे प्रोटीन. वो भी एक ही शॉप में था, दोनों में, एक थी लच्छेदा और एक थी शॉपी. दोनों शॉप्स में, दोनों वेबसाइट्स में अवेलेबल था, पर वो जो मुझे थोड़ी शॉप फिशी लग रही थी, मुझे इतना ट्रस्ट नहीं हो रहा था. और ऑब्वियसली इट्स वे प्रोटीन, और तुम्हें पता है आजकल कितनी मिलावट होती है वे प्रोटीन में. कई बार तो नकली भेज देते हैं, और स्पेशली जब
तुम किसी चीज को डेली कंज्यूम करते हो, जो कि मैं ये करूंगा 2-3 बार एक दिन में, तो भैया थोड़ा इनसिक्योर बनना तो बनता है। देखो पहली बार यूज करूंगा ये ब्रांड, पर ठीक है 27 ग्राम पर स्कूप में मुझे प्रोटीन मिलेगा विच इज सफिशियंट। 3 बार लूंगा मैं, सुबह लूंगा, सुबह ब्रेकफास्ट मैं करता नहीं हूँ तो सुबह क्या करूँगा मैं ऑफिस जाने से पहले जल्दी से मिक्सर खरीदूंगा पहले, तो उसके अंदर केला डाला, वो भी मैं वीडियो में बता दूंगा मैं क्या क्या कहूँगा। तो जल्दी से स्मूदी बना के घट की ऑफिस भागे, ऑफिस से आए जिम जाऊंगा करने के लिए, जिम से आऊंगा तो पोस्ट वर्कआउट मील जो होगी मेरी यही होगी। क्विक डिलीवरी, क्विक डिलीवरी, थकी हुई बेचारी, बोला नहीं जा रहा बेचारी से, I'm super excited. यो डैमी का मैसेज आया मेरे पास, व्हाट हैपेंड? Yeah, the light was off, even I was afraid. So डैमी लिफ्ट के अंदर थी और लाइट चले गई पूरे बिल्डिंग की। Oh, again it's gone. Again it's back. It's good, don't go inside डैमी. तो डैमी खाना लेने जा रही थी और ये तो सब इमरजेंसी लाइट में जल रखी हैं, जो जल रखी हैं, तो पूरी बिल्डिंग की लिफ्ट ख़त्म, लाइट बंद हो गई है ना, और डैमी अटक गई लिफ्ट के अंदर और मुझे कॉल कर रही है और कॉल आता नहीं है, सिग्नल आते नहीं, टट टट आवाज़ आ रही है। मैं समझ गया कि लिफ्ट में फंस गई है क्योंकि लाइट अंदर पूरे अपार्टमेंट में चले गई थी, अंधेरा हो गया था, मैं नहा रहा था, बाहर आया मैं भग के आया क्योंकि मुझे लगा डैमी लिफ्ट में फंसी है, फिर यहाँ पर खड़ी हुई तो निकल गई थी क्योंकि 5 मिनट के लिए लाइट गई, 5 लिफ्ट के लिए फंसी हुई थी डैमी अंदर। और जैसी लाइट आई थोड़ी सी ऊपर चली, डैमी ने बटन दबाया, बाहर निकल गई, फिर लाइट चली गई उसी के जैसे निकली डैमी। सो यू आर लकी, हाँ यू जस्ट केम आउट एंड 3 बार हो गया ऑलरेडी, गई लाइट 2-3 मिनट में वापस आ गई, फिर वापस जा रही है, डोंट गो इन नाउ डैमी। चूचू गॉट स्टक, आई वाज लाइक फॉर अ सेकंड आई वाज लाइक, बिकॉज़ इट वाज डार्क एंड आई वाज टेकिंग शावर, आई वाज लाइक नेकेड एंड आई वाज लाइक लुक अगेन। भैया ये क्या कोई मायावी शक्ति कुछ है क्या यहाँ पे? भैया क्या हो रहा है? What is that? I think it's somebody is in the left, I think. वो फिर बंद हो गई, फिर आ गई। भैया डैमी ये डोंट गो इन, डोंट गो इन, क्योंकि कोई लिफ्ट में ऑलरेडी फंस गया होगा तो उसने जो आवाज़ आ रही थी ना चो, वो किसी ने बजाई है अंदर से पक्का। My God, it's creepy, huh? I don't want to stuck in the lift, it's very scary. Next time, let's live in the first floor. Like in Serenity apartment, huh? 39th floor mein aur rehte hain. It was scary. How it was like when the lifts got stuck? It was like trish, like this? Yeah. And dark. Oh yeah. कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था हमारी डैमी जी के साथ, किसी के साथ भी, मतलब कुछ लोग भी फंसे थे, हम नीचे गए मैनेजमेंट से बात करने, काफ़ी लोग फंस गए थे लिफ्ट में, और कुछ लोग तो डैमी ने तो दिमाग लगा लिया, उसने जल्दी से 26 फ्लोर पे पहुंची थी वो, उसने जल्दी से 27 का बटन दबा दिया, 25 का दबा दिया और वहाँ से निकल गई, नहीं तो फिर फंसी रहती वो। कुछ लोगों ने इतना दिमाग लगाया नहीं, फंसे रह गए बेचारे। हमारा वावा ये खोल रहा है हमारा बे प्रोटीन, ऐसा नहीं है कि मैं रेगुलर करूँगा, मतलब रेगुलर करने की कोशिश करूँगा, पर यार देखो एक दिन में बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, कभी किसी चीज़ में फंस गया तुम्हारा बाबा तो ऑब्वियसली जिम स्किप करना पड़ेगा, इसलिए बोला है मैंने कि मिनिमम 3 दिन तो करूँगा मैं हफ्ते के, तो देखते हैं। लेट मी स्मेल इट, काफ़ी टाइम हो गया ना ओरियो एंड कुकी। आहा, तो मुझे लगा यहाँ पे मैंने कैमरा रखा, मुझे लगा वो रिकॉर्ड हो रहा है, मैंने बहुत सारी चीज़ें बोली, पता चला कैमरा रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा था, पोपट हो गया, तो मैंने कुछ नहीं किया, बस उसमें से एक स्कूप निकाला, इसके अंदर डाला और तुम्हें लाइक करने के लिए बोला, क्योंकि मैं ये मोमेंट शेयर करना चाहता था तुम्हारे साथ, इतने टाइम बाद वे प्रोटीन लेने वाला हूँ। तो वीडियो करते हैं बैंड, अगर इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो नहीं किया तुमने अपने सुंदर सुशील बाबा को तो जाके फॉलो करो _ पे। और भैया कॉफी खत्म करूंगा, जिम जाऊंगा, जिम से आऊंगा, फिर दिन की शुरुआत करेंगे अच्छी खासी, जिम के बाद ही हो गया अब से दिन की शुरुआत, नहीं वैसे तो आज छुट्टी है बट नॉर्मली जिम मेरा ऑफिस के बाद ही होगा, सैटरडे संडे को छोड़ के, समझ गए? चीयर्स, रेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब विद द लाइक बटन एंड यू नो गाइस व्हाट टू डू, स्टे अवारा, जुब जुब, स्टे अवारा, जुब जुब मींस किस किस इन थाईलैंड। This all without anything, raw.
in one go and I pay the whole bill. Come on, Demi, it's a day. Not go. Worth it. Come on. I pay everything.